गुड मॉर्निंग क्लास 11. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 12, फॉर्म्स ऑफ मार्केट. फॉर्म्स ऑफ मार्केट. नाउ फर्स्ट वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मार्केट. व्हाट इज मार्केट? मार्केट मीन्स सब्जी मंडी, जहाँ पे आप जाते हो, सामान खरीदते हो, सब्जियाँ लेते हो, फ्रूट्स देते हो, पैक देते हो, आ जाते हो. या मॉल्स में जाते हो, जहाँ पे आप अपनी शॉपिंग करते हो, शूज़ ले रहे हो, गारमेंट्स परचेज कर रहे हो, कोई क्रॉकरी आइटम्स ले लिया, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ले लिया, दैट इज़ कॉल्ड मार्केट. इट इज़ कॉल्ड मार्केट. यस, इट इज़ द पार्ट ऑफ मार्केट. पार्ट ऑफ मार्केट वाई? बिकॉज पहले तो हमारा मार्केट जो टर्म था वो इतना ही था कि कहीं गए, कुछ लिया और उसके अंदर में अमाउंट पे कर दिया. बट इन द मॉडर्न वे मार्केट सिर्फ कहीं जाकर सामान लेना ही नहीं है, मार्केट तो आपके घर में भी है. ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं आप. टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो गई है कि मार्केट हम अपने घर बैठे बैठे भी मार्केटिंग कर सकते हैं, परचेजिंग कर सकते हैं, बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं. कहीं हमें आना नहीं, कहीं हमें जाना नहीं. और विद द हेल्प ऑफ स्मार्टफोन्स, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, हम मार्केट को अपने घर पे ही क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं. तो मार्केट हमारा क्या होता है? सर्विसेज है. तो इन मॉडर्न टाइम मार्केट हमारा गुड्स तक सीमित नहीं है बेटा, सर्विसेज भी अब हम परचेज करते हैं. लाइक कम्युनिकेशन सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज का यूज करते हैं, इंश्योरेंस सर्विसेज का यूज करते हैं. तो उसके अंदर उसे पे करते हैं ना, फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं यूज करते, पेमेंट करते हैं उनके. तो जिस भी चीज का हम यूज करके पेमेंट करते हैं तो वो भी तो मार्केट का ही पार्ट कहलाता है. तो कंसेप्ट ऑफ मार्केट पे क्या आता है? इट रेफर्स टू ऑल सच सिस्टम्स और अरेंजमेंट्स दैट ब्रिंग्स द बायर्स एंड सेलर्स इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर. मतलब वो सारा सिस्टम या वो सारा अरेंजमेंट जिससे बायर और सेलर आपस में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, बायर गुड्स परचेज कर सकता है और सेलर्स गुड्स बेच सकता है. दैट अरेंजमेंट, दैट प्लेस इज नोन एज मार्केट. मार्केट हमारा सिर्फ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या आपका फ्रूट मार्केट या वेजिटेबल मार्केट तक ही सीमित नहीं है. अब हमारे वो सारे अरेंजमेंट जिसकी हेल्प से बायर और सेलर कैन बाय एंड सेल द गुड्स, दैट आर द पार्ट ऑफ द मार्केट. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, और यह हमारा जो मेन हमारा इस चैप्टर में है, वो क्या है? फॉर्म्स ऑफ मार्केट. फॉर्म्स ऑफ मार्केट, देर आर फोर फॉर्म्स ऑफ मार्केट. हमने इन शॉर्ट जो हमारा रेवेन्यू चैप्टर था वहां पे हमने एक टॉपिक पढ़ा था, रेवेन्यू कर्व अंडर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट. वहां पे हमने तीन मार्केट को आपको एज अ समरी एक्सप्लेन करा था. वो तीन मार्केट किसके अंदर है? उसके अलावा एक मार्केट और ऐड है, उसके अंदर हमारा ओलिगोपॉली मार्केट आता है. कौन सा मार्केट आता है बेटा? ओलिगोपॉली मार्केट. ठीक है, तो फॉर्म्स ऑफ मार्केट में हमारे फोर फॉर्म्स ऑफ मार्केट आर देयर. वन इज प्रॉफिट कॉम्पिटिशन, सेकेंड मोनोपोली मार्केट, थर्ड मोनोपोलिस्टिक मार्केट एंड फोर्थ ओलिगो पॉली मार्केट. तो ये हमारे फोर फॉर्म्स ऑफ मार्केट है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपॉली मार्केट. ओलिगोपॉली मार्केट फिजिबल नहीं है तो बात नहीं हम लिख देंगे हम ओलिगोपॉली मार्केट.
तो एक एक करके हम चारों मार्केट पढ़ेंगे, मीनिंग, फीचर्स, शेप ऑफ रेवेन्यू कर्व या शेप ऑफ डिमांड कर्व। हमारा जब हमने रेवेन्यू कर्व अंडर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़ा था, वहाँ पे ओलिगोपोली क्यों नहीं पढ़ा था, क्योंकि ओलिगोपोली मार्केट पे कोई भी रेवेन्यू कर्व या डिमांड कर्व होता ही नहीं है। वो क्यों नहीं होता वो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ पहले हम डिस्कस करेंगे हमारा जो फर्स्ट मार्केट है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। इस मार्केट को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट फॉर्म ऑफ मार्केट इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, ठीक है ना। परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में सबसे पहले मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग, तो इसका मीनिंग क्या होता है बेटा? इट इज अ फॉर्म ऑफ मार्केट, इट इज अ फॉर्म ऑफ मार्केट वेयर देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स इन कमोडिटी, large number of buyers, large number of sellers of a commodity, and in this form of market homogeneous products are sold by the producers at the same price, and the price of the product was depend on the market forces that will be decided by the industry of the product, meaning like क्या होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, जहां पर बहुत सारे बायर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, एंड सेलर्स आर सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट। जो भी सेलर्स हैं, जितने भी विक्रेता हैं, सारे क्या बेच रहे हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस मतलब बिल्कुल सेम प्रोडक्ट, आइडेंटिकल प्रोडक्ट, किसी का भी प्रोडक्ट एक दूसरे से बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है, ना तो कोई कलर में डिफरेंसेस है, ना साइज में डिफरेंसेस है, ना प्राइस में डिफरेंसेस है, ना क्वालिटी में डिफरेंसेस है, कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। इसलिए इस टाइप की मार्केट में सबके प्राइसेस क्या होते हैं, सेम होते हैं, और जो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट है वो डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्सेस, मतलब उस प्रोडक्ट की मार्केट में कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई है, उसके अकॉर्डिंग प्राइस डिसाइड करा जाता है, ठीक है। तो दैट इज मीनिंग ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। नाउ नेक्स्ट इज फीचर्स, क्या क्या फीचर्स है हमारे परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में। फीचर्स फीचर्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, जो हमारा फर्स्ट फीचर है लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स। इस मार्केट में जो हमारा नंबर ऑफ फर्म्स है, यानी जो बेचने वाले हैं, वो भी बहुत ज्यादा है, और वो इतने ज्यादा है कि अगर कोई एक सेलर इस मार्केट से चला जाता है तो उसके जाने से मार्केट की सप्लाई पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इस मार्केट में इतने ज्यादा नंबर ऑफ सेलर्स है बेटा कि अगर कोई एक सेलर चला भी जाए, मार्केट छोड़ भी दे, तो मार्केट सप्लाई पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, यानी उसके आने या जाने से मार्केट सप्लाई पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और जब मार्केट सप्लाई पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा तो उसके प्राइस में भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ऐसा नहीं कि सप्लाई शॉर्ट हो गई है तो रेट हाई कर दो, ना, एक के जाने से सप्लाई पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए सिंगल बायर कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कोई सिंगल बायर सॉरी सिंगल सेलर अगर ये सोचे कि मैं मार्केट छोड़ दूंगा तो प्राइसेस में इफेक्ट पड़ेगा, असर पड़ेगा, चेंज आएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। किसी एक सेलर के आने से या एक सेलर के जाने से प्राइस ऑफ द कमोडिटी में कभी कोई चेंजेस नहीं आते हैं। सेम विद बायर ऑल्सो, देर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स में अगर कोई
कोई एक बायर ये सोच के प्रोडक्ट ना खरीदे कि भाई रेट महंगे मैं नहीं खरीदता, सस्ता होगा तब लेगा, तो नो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इतने ज्यादा बायर्स हैं कि अगर एक या दो बायर नहीं भी लेंगे ना तो मार्केट की डिमांड पे कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ना ही प्राइसेस में कोई चेंजेस आएंगे। तो इन शॉर्ट समरी इज दैट कि ड्यू टू एग्जिट और एंट्री ऑफ एनी सिंगल सेलर डजंट अफेक्ट द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। किसी भी एक सिंगल सेलर के आने या जाने से प्राइस ऑफ द कमोडिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। फिर सेकंड तो बेटा हमारा इसमें किसी भी बायर और सेलर के आने से मार्केट की सप्लाई या डिमांड पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि उनका हिस्सा इतना छोटा होता है मार्केट के अंदर कि अगर वो आते हैं या जाते हैं तो पता ही नहीं चलता कि कोई आया या कोई गया, बिकॉज देर आर सो मेनी बायर्स एंड सो मेनी सेलर्स, सो देयर फ्रैक्शंस आर वेरी स्मॉल। नाउ सेकेंड फीचर इज होमोजेनियस प्रोडक्ट। होमोजेनियस प्रोडक्ट में क्या होता है, कि जितने भी सेलर्स इस टाइप की मार्केट में अवेलेबल है, वो जो प्रोडक्ट मार्केट में सेल कर रहे हैं वो प्रोडक्ट क्या है, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब बिल्कुल सेम बाय देयर कलर, बाय देयर साइज, बाय देयर टेस्ट, बाय देयर प्राइस, बाय देयर क्वालिटी, सब कुछ बिल्कुल सेम है, कहीं कोई डिफरेंसेस नहीं है, चाहे सेलर बड़ा हो चाहे सेलर छोटा हो, सबके पास सेम क्वालिटी प्रोडक्ट है, सबका सेम ही रेट है। चाहे फिर वो हमसे एक पीस ले तो भी हम उसे उस रेट में देंगे, चाहे कोई 10 पीस लेगा तो भी उसके लिए रेट सेम होगा। इन दिस फॉर्म ऑफ मार्केट प्राइजेस आर कॉन्स्टेंट फॉर ऑल। सेकेंड इज परफेक्ट नॉलेज। परफेक्ट नॉलेज मतलब कि इस टाइप की मार्केट में जो हमारे सेलर्स होते हैं या बायर्स होते हैं, दोनों को ही मार्केट की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि मार्केट में हमारा जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसका क्या रेट चल रहा है। मान लीजिए लेट सपोज कोई नया सेलर आया है और उस नए सेलर को सामान बेचना है, तो उसको पहले से ही मार्केट की पोजीशन का पता होना चाहिए कि भाई मेरे जैसे और भी बहुत सारे सेलर्स ऑलरेडी मार्केट में हैं, तो वो प्रोडक्ट किस रेट में बेच रहे हैं, उसी रेट में हमें भी बेचना होगा, क्योंकि अगर हम रेट ज़्यादा रखेंगे तो कोई हमसे नहीं लेगा, रेट कम कर देंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि रेट इस मार्केट में ऐसे ही होते हैं जो बहुत ज्यादा हाई नहीं होते, बहुत ज्यादा उसमें प्रॉफिट मार्जिन नहीं होता है। क्लियर, ठीक है। फिर जो बायर है अगर वो मार्केट से कोई प्रोडक्ट लेने जा रहा है और ऑलरेडी उसके बहुत ज्यादा सारे सेलर्स बैठे हुए हैं मार्केट के अंदर, मैंने एक से प्रोडक्ट लिया और जनरल रेट मार्केट का 10 रुपए था, उसने मुझसे कहा 11 रुपए, मैं 11 का लिया और आ गई, इसमें किसका लॉस है, मेरा। तो अगर आप बींग अ बायर मार्केट में कोई चीज लेने जा रहे हो तो पहले उसकी नॉलेज ले लो, पहले उसके बारे में जानकारी ले लो कि वो चीज मार्केट में कितने की बिक रही है, क्योंकि अगर आपको उसकी नॉलेज होगी और सामने वाला अगर आपसे एक्स्ट्रा रेट बोलता है तो तुरंत आप कह दोगे भैया ये चीज 10 की बिक रही है, आप 11 कैसे बोल रहे हो, और 11 का जाओ तो फिर हम कहीं और से लेंगे। तो इन दिस फॉर्म ऑफ मार्केट बोथ बायर्स एंड सेलर्स मस्ट हैव परफेक्ट नॉलेज रिगार्डिंग their products। Clear? Thank you.